इस बहुत मजेदार खिलौने में एक छल्ला घूमता हुआ नीचे स्पोक के आ रहा है। इस मैग्नेटिक लूप स्पिनर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक साइकिल की स्पोक, दो रिंग मैग्नेट्स, एक मोती, एक कैंची और एक छोटी प्लास्टिक की पानी की बोतल। देखिए, इस प्लास्टिक की बोतल में आपको इस तरह के छल्ले दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप तीन छल्लों को काट लें। इन छल्लों को काटना बहुत आसान है। आप बोतल में एक छेद बनाएं, उसके बाद जो गोला है उसको कैंची से काट दें। इस तरह से आप कई छल्ले बनाएं। फिर इन छल्लों में आप दो निशान बनाएं जो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट हों, विपरीत दो छेद बनाएं और फिर कैंची की नोक से उनमें दो छोटे छेद बनाएं जिससे कि स्पोक इन छेदों में आसानी से जा सके, एकदम लूज फिट हो। अब असेंबली करेंगे। सबसे पहले मोती को लें और मोती को साइकिल की स्पोक में पिरो दें और बिल्कुल मत्थे के नीचे तक ले आए स्पोक को। उसके बाद में जो बोतल वाला प्लास्टिक का छल्ला है उसको पिरो दें और अंत में जो दो चुंबक हैं उनके छेद को आप स्पोक में डाल दें। अब बिल्कुल खिलौना तैयार है खेलने के लिए। उसको इस तरह से वर्टिकली पकड़ें और एक छोटी सी चाल दे दें चुंबक को। चुंबक घूमता हुआ नीचे आएगा, उससे स्पोक का निचले वाला हिस्सा कंपन करेगा। उस कंपन के कारण ये छल्ले घूमने लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे साबुन के बुलबुले घूम रहे हों। ये बहुत ही मजेदार आनंददायी प्रयोग है।